त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम और आतताई राक्षस रावण के बीच एक युद्ध हुआ था, जिसमें पूरी सेना मूर्छित हो गई थी। तब जामवान ने हनुमान को बुलवाया और वो संजीवनी बूटी के साथ संपूर्ण द्रोण पर्वत ही उठा लाए। द्वापर युग में जब हनुमान के जन्म दिवस पर सभी रानियां आगे की कहानी सुनने के लिए उत्साहित हो गई। रावण के अत्याचार से सारे देवता परेशान थे। मैंने उन्हें ये वचन दिया कि मैं मनुष्य रूप में अवतार लेकर रावण का विनाश करूंगा और इस युद्ध में मेरा साथ देंगे महादेव शिव के अंश हनुमान। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। समस्त संसार कर्म की गति से बंधा है। कोई भी जीव किसी भी पल अकर्मा नहीं रहता। मनुष्य के जीवन का निर्माता वो स्वयं है। जो जैसे कर्म करता है वैसा ही शुभ या अशुभ फल उसे मिलता है। महादेव भोलेनाथ, कमल योनि ब्रह्मा जी और मैं भी इस नियम में व्यवधान नहीं डाल सकते। और इस नियम के संचालन का कार्य दिया गया है नवग्रहों को। वे निरंतर आकाश पथ का चक्कर लगाते हुए मनुष्य के पूर्व कर्मों के अनुसार फल देते रहते हैं। प्रभु, किस बात से आपको इतना आनंद आ रहा है, हमें भी बताइए। नव ग्रहों में एक ग्रह है शनि देव। शनय शनय अर्थात धीरे धीरे चलने के कारण उनका नाम शनि देव हुआ। सभी जीव उनसे बड़ा भय खाते हैं। उनके चक्र में जो भी पड़ता है सदा रोता हुआ मिलता है। किंतु जब हनुमान से उनकी भेंट हुई तो क्या नाथ, बताइए ना। हनुमान एक पर्वत शिखर पर बैठकर आनंद से केलों का भोग लगा रहे थे। तभी एक धीर गंभीर स्वर ने उनका ध्यान भंग कर दिया। केसरी नंदन, मैं आपको सावधान करने आया हूं पवन पुत्र हनुमान। आज से आगामी 7.5 वर्षों तक आप पर मेरा प्रभाव काल आरंभ हो रहा है। आप सावधान हो जाएं, मैं आपके शरीर में प्रवेश करने वाला हूं। मैं आपको प्रणाम करता हूं सूर्य पुत्र शनीश्वर, किंतु आप मेरे भीतर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। तो आपको मेरे सामर्थ्य पर संदेह है बजरंगबली? आप सब प्रकार से सामर्थ्य हैं शनीश्वर महाराज, परंतु मेरे मन में तो पहले से ही कोई रिक्त स्थान है ही नहीं, तो मैं फिर आपको स्थान कहां पे दूं? मेरे तन मन जीवन सर्वत्र में प्रभु श्री राम ही राम बसे हैं। आपको कदाचित ज्ञान नहीं है कि मेरे प्रकोप से मनुष्य तो क्या देव और दैत्य भी नहीं बच सके हैं। 7.5 वर्ष मैं जीव के पैरों में रहकर उसे भटकाता हूं। 2.5 वर्ष उसकी सिर में स्थित रहकर उसकी बुद्धि भ्रष्ट करता हूं और 2.5 वर्ष उसके मुख में प्रवेश करके उसकी सुख शांति धन संपत्ति सबका हरण करके उसे पूरा दरिद्र बनाकर छोड़ देता हूं। महाराज, मैं तो केवल उसी ज्ञान को अपने पास रखता हूं जिससे मैं अपने प्रभु के प्रेम रस में सदा लीन रह सकूं। शेष सारे ज्ञान को मैं अपने
किसी काम का नहीं समझता। ऐसा है तो मेरी साढ़े साथी का थोड़ा और ज्ञान ले लीजिए। अवश्य शनिदेव, कृपा कीजिए। जब मेरी साढ़े साथी चलती है तो प्राणी दुख, कष्ट और असुरक्षा से बुरी तरह से घिर जाता है। रोग और व्याधि उसे जकड़ लेते हैं। कभी सर पर छत गिर पड़ती है तो कभी उसके घर में आग लग जाती है। कलह का वातावरण हो जाता है। सब ओर असफलता और पराजय ही मुख फाड़कर खड़ी हो जाती है। कलंक और आरोप लगने लगते हैं। प्राणी अपनी सोच और बुद्धि पर नियंत्रण नहीं रख पाता। मेरे अधीन होकर वो क्रोध और आवेश में आकर अपनी ही हानि कर बैठता है। मन व्यथित रहता है, वाणी कठोर बोलता है, सुख नष्ट हो जाता है, संपत्ति का नाश हो जाता है, दुख, ग्लानी और शोक, इसके अतिरिक्त उसके पास कुछ भी नहीं रहता। सावधान हनुमान, आपकी साढ़े साथी इसी क्षण प्रारंभ हो गई। यदि आप अपना निर्णय नहीं बदल रहे और आपने श्री राम के तुच्छ भक्त से ठान ही ली है तो आपका स्वागत है शनीश्वर। आपका जो नियम है आप उसका पालन कीजिए और मुझे जो करना है मैं वो करूंगा। आपको पीड़ा देने में मुझे कोई रुचि नहीं है हनुमान, किंतु काल के विधान में मुझे यही कार्य मिला है और मेरे कार्य में कोई बाधा डाल सके ऐसा किसी के लिए संभव नहीं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जय श्री राम। ये क्या कर रहे हैं पवन पुत्र? सिर में खुजली हो रही है महाराज। खुजली हो रही है तो तेल इत्यादि जैसा कोई उचित उपाय करो। नहीं नहीं महाराज, मेरे स्वभाव को यही उपचार भाता है। जय श्री राम। हे मारुति नंदन, इन चट्टानों के बोझ से मैं मरा जा रहा हूं, कृपया इन्हें हटाएं। क्षमा करें शनीश्वर महाराज, जैसे आप काल के विधान से विवश हैं वैसे ही मैं अपने स्वभाव से विवश। रखिए। नहीं नहीं महाबली, मुझे क्षमा कर दीजिए। हे राम भक्त हनुमान, मैं आपके भीतर नहीं रह सकता। नहीं रह सकते तो निकल जाइए। मैं यदि स्वयं निकल सकता तो इसी पल आपको छोड़ देता, किंतु मैं यहां फंस गया हूं। पूरा जगत मुझसे याचना करता है, मैं आपसे याचना कर रहा हूं, मुझे जाने दीजिए।
मैं आपको वचन देता हूँ कि आज के बाद मैं आपको कभी पीड़ित नहीं करूंगा। मुझे ही नहीं शनिदेव, आप चाहकर भी कभी भी किसी राम भक्त को पीड़ित नहीं। हे राम भक्त हनुमान, क्या आपसे मुझे थोड़ा तिल तेल मिल सकेगा? मुझसे तो नहीं मिल सकेगा हे सूर्य पुत्र, पर आज के बाद आपके दुष्ट प्रभावों से बचने के लिए भक्तगण आपको तेल चढ़ाकर ही प्रसन्न करेंगे। वो तो शनि देव ने शीघ्र ही उनसे संधि कर ली, अन्यथा बजरंगबली पूरे का पूरा पर्वत अपने शीश पर रख लेते। श्री भगवान के भक्तों पर काल का प्रभाव नहीं होता। कहते हैं कि प्रभु का नाम एक बार लेने से ही करोड़ों पापों का नाश हो जाता है। भगवान शंकर के अंश हनुमान तो निरंतर ही प्रभु श्री राम के नाम का जाप करते रहते हैं। शनिदेव उनका क्या बिगाड़ सकते थे? हृदयनाथ, क्या वास्तव में भगवान भोलेनाथ के अंश से ही हनुमान जी का जन्म हुआ था? निसंदेह राम भक्त हनुमान भोलेनाथ का अंश है। मेरे प्रति ये उनका अगाध प्रेम ही है जिसके कारण उन्होंने मेरे सेवक का चोला पहन लिया, अन्यथा कालेश्वर भगवान शंकर सबके स्वामी है। मेरे परम आराध्य हैं और मैं उन्हीं को बचता हूं। किंतु कमल नयन, भगवान भोलेनाथ की उस अंश को धारण कौन करेगा? यही प्रश्न जगत जननी पार्वती जी ने भगवान महादेव से किया था। अब आप ही बताइए, भोलेनाथ ने क्या उत्तर दिया था? स्वर्गलोक की एक अप्सरा है जिसका नाम है कुंजिक स्थला। स्वर्गलोक की अप्सरा? अप्सरा ने वानर को जन्म दिया, किंतु यह कैसे हुआ स्वामी? मेरी इच्छा होने पर महामाया सब कुछ संभव कर देती है। अति सुंदर, अति सुंदर। देवी पुंजिक स्थला नृत्य कला में आप मेनका और उर्वशी से कहीं भी कम नहीं। यहां बैठे सभी देवता नृत्य के पारखी हैं, किंतु कोई भी आपके नृत्य में दोष निकालने समर्थ नहीं।
तब आपका अभिनंदन करते हैं। उसके नृत्य के समान ही पुंजिक स्थला का चरित्र भी निर्दोष था। देवराज इंद्र का स्वर्ग भोग विलास की सीमा है, किंतु वहां रहते हुए भी वो अप्सरा भगवान शंकर की नित्य उपासक थी। ये तो वानर का शिशु है।